नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 10वीं की NCERT की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुशी से पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2, बुद्धिर बलवती सदा। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देन हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप सबकी पाठ्य पुस्तक में लिखा है, प्रस्तुतोयम पाठः शुक सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनम कृत्वा संग्रहितोस्ति। यानी कि दिया गया पाठ शुक सप्तति नाम के कथा संग्रह ग्रंथ से संपादित किया गया है। आगे लिखा है, अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमती इति नाम्न्या महिलाया मति कौशलम प्रदर्शितो वर्तते। इस पाठ के अंदर अपने पति के घर से पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती नाम की एक स्त्री के बुद्धि कौशल को दर्शाया गया है। आगे लिखा है, या पुरता समागतम सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य तथा निवारयति। यानी वह अपने बुद्धि कौशल से शेर के मन में भी डर उत्पन्न कर देती है और शेर से खुद की तथा अपने पुत्रों की रक्षा करती है। आगे लिखा है, इयम कथा नीति निपुणयो शुकसारिकयो कथा माध्यमेन सद्वृत्ते विकासार्थम प्रेरयति। इस पाठ के अंदर शुक और सारिका यानी तोता और मैना के संवाद के रूप में ये कथा यहाँ पर चित्रित की गई है, जिसके माध्यम से हमें नीति के अनुसार चलने की प्रेरणा दी गई है। कथा कुछ इस प्रकार है, अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवलाख्य नाम का एक ग्राम यानी गांव था। तत्र राजसिंहा नाम राजपुत्रा वसति स्म। वहाँ पर राजसिंह नाम का एक राजपुत्र यानी कि राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण एक बार किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या यानी उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता यानी उसकी बुद्धिमती नाम की जो पत्नी थी वो दोनों पुत्रों को लेकर पितृगृहं प्रति चलिता अपने पिता के घर की ओर चलती है। आगे लिखा है, मार्गे गहन कानने यानी रास्ते में घने जंगल में सा एकम व्याघ्रम ददर्श। वह एक बाघ को देखती है। तो यहाँ पर सा शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है वह, जो हम इंग्लिश में SHE शी का प्रयोग करते हैं उसको संस्कृत में कहते हैं सा। तो वह एक बाघ को देखती है। आगे लिखा है, सा व्याघ्र मागच्छन्तं दृष्ट्वा वह बाघ को आते हुए देखकर धाष्ट्यात पुत्रौ चपेटया प्रकृत्य जगाद अपने दोनों पुत्रों को एक एक चांटा लगाती है। वो जब देखती है कि उसकी ओर एक बाघ आ रहा है तब वह बचने का कोई उपाय नहीं पाकर अपने पुत्रों को एक चांटा लगाती है। उसके मन में अचानक एक उपाय आता है कि क्या करें, कैसे बचें, और अपने पुत्रों को चांटा लगाकर वो कहती है, कतमेक कशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत, हे नालायको, हे मेरे बच्चों, क्यों दुष्टता कर रहे हो, इस एक बाघ को खाने के लिए तुम दोनों के दोनों लड़ रहे हो, कह रहे हो कि मैं खाऊंगा। अये मेकस्ताद विभज्य भुज्यताम, अभी ऐसा करो, इस एक बाघ को ही आधा आधा काट कर खा लो, अन्यो द्वितीया कश्चित लक्ष्यते, फिर कोई जब दूसरा प्राप्त होगा तो उसको भी आधा आधा बांट कर खा लेना, इसीलिए लड़ाई झगड़ा मत करो। बाघ ये सारी बातें सुन रहा होता है। इति श्रुत्वा यह सुनकर व्याघ्रमारी, यह व्याघ्रमारी है यानी बाघ को मारने वाली कोई राक्षसी है, काचिद इयम इति मत्वा ऐसा मानकर व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, व्याघ्र भयाकुल हो जाता है, डर से भयभीत हो जाता है और उसका चित्त जो है वो नष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। आगे श्लोक दिया गया है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यतो महतो भयात। यानी कि एक स्त्री जो थी वह अपनी बुद्धि के प्रयोग से एक बाघ से अपने जीवन की रक्षा कर लेती है और अपने पुत्रों की रक्षा कर लेती है। अन्योपि बुद्धिमान लोके, इसी प्रकार अन्य बुद्धिमान लोक भी मुच्यते महतो भयात, इस संसार में महान भय से स्वयं की रक्षा कर सकते हैं अपनी बुद्धि के प्रयोग के द्वारा। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, ये कहानी आगे बढ़ती है। लिखा है, भयाकुल व्याघ्रम दृष्ट्वा डरे हुए बाघ को देखकर कश्चित धूर्ता श्रगाला हसन्नाह, कोई एक धूर्त यानी कपटी स्यार हंसता है और वह उस बाघ से कहता है, भवान कुतः भयात पलायता, तुम डरकर कहाँ भागे जा रहे हो,
व्याघ्र कहता है, बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जम्बू का, हे सियार भागो भागो, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ। ततो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रों में जो व्याघ्र मारी नाम से राक्षसी का वर्णन सुना जाता है, तया हम हंतुम आरब्धा, उसने बाघों को मारना आरंभ कर दिया है। परम ग्रहित कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तदकृतः, इससे पहले वो हमारा जीवन नष्ट कर दे, यहाँ से भाग चलो। श्रृगालः सियार उसकी बात सुन के बोलता है, व्याघ्र हे बाघ, त्वया महत् कौतुकम आविदितम, तुम तो महान आश्चर्य वाली बात करते हो। यन मानुषादपि विवेशी, कि मनुष्यों से भी डरते हो। आगे उसकी बात सुनकर बाघ जवाब देता है, प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्रा वेकय कशो मामत्तुम कलहाय मानो चपेटया प्रहरंती दृष्टा, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि उसने अपने दोनों पुत्रों को चांटे देकर मारा। क्या कोई माँ अपने पुत्रों को ऐसे मारेगी? लेकिन उसने मार कर उनका लड़ाई झगड़ा शांत कराया कि एक बाघ के पीछे लड़ो मत, दोनों मिल बार बांट कर खा लो। ऐसी उनकी बातचीत को मैंने सुना है, अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से मैंने इस दृश्य को देखा है। बाघ ऐसा बोलता है तो जम्बू के यानी कि सियार उसको जवाब देता है, स्वामिन हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता, वह धूर्ता स्त्री, कपटी स्त्री जहाँ पर भी है, तत्र गम्यताम, वहाँ पर चलो। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपीक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्या इति, यानी कि अगर वहाँ पर जाने के बाद वह स्त्री कुछ करती है, अगर हमारे खिलाफ कोई प्रयास करती है तो निश्चित ही आप मुझे मार देना, लेकिन अभी मेरा विश्वास कीजिए और आप मुझे साथ लेकर वहाँ पर चलिए। ऐसा बोलने के बाद व्याघ्र जो है उसके वचनों को सुनकर, सियार के वचन सुनकर बोलता है, श्रृगाल यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी तदा वेलाप्य वेला स्यात्, अगर तुम मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए तो उस समय मैं क्या करूँगा। जम्बू का यानी कि सियार बोलता है, यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तो माँ निज गले बद्धवा, मुझे अपने गले में बांध लो, यानी एक रस्सी से अपने गले को बांधो, दूसरे सिरे से मुझको बांध लो और चल सत्वरम, वहाँ पर शीघ्र ही चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा, वह बाघ ऐसा ही करता है, एक रस्सी लेकर एक छोर से उस सियार के गले को बांधता है और दूसरे छोर से स्वयं के गले को बांध लेता है। श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती, शेर के साथ सियार को आते हुए देखकर वह बुद्धिमती दूर से ही उनको देखकर निश्चय करती है। चिंतितवती क्या सोचती है, जम्बूक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यतात, जम्बूक यानी सियार दुष्ट बुद्धि सियार के द्वारा उत्साहित किए हुए इस बाघ से मैं कैसे बचूं। परम प्रत्युत्पन्न मती, लेकिन अगले ही क्षण उसके अंदर बुद्धि प्रकट होती है, वह इतनी बुद्धिमती स्त्री होती है कि अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके वह सोचती है, सा जम्बूक माक्षिपन्त्य अंगुल्याम तर्जन्त्य उवाच, वह उस सियार की ओर अपनी उंगली से इशारा करके बोलती है, रे रे धूर्त हे दुष्ट श्रृगाल, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, तूने तो मुझे पहले तीन बाघ लाने का वादा किया था और अब क्या कर रहा है तू, विश्वास अद्यक मानी है, विश्वास दे के विश्वास अद्य एक मानी है, यानी एक को ही लेकर आया है, कथम यासी यदादुना, तूने अपने वादे को पूरा नहीं किया, हम तीन लोग हैं और तूने तीन बाघ लाने का वादा किया था हमारे भोजन के लिए और तू लाया है सिर्फ एक। जैसे ही बाघ ये बात सुनता है तो बाघ समझ जाता है कि ये सियार भी इस औरत के साथ मिला हुआ है। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, और व्याघ्रोपी सहसा नष्टा गलबद्ध श्रृगाल का, इत्युक्त्वा यानी यह कहकर धाविता दौड़ती है, तूर्णम भयंकर व्याघ्रमारी भयंकरा, भयानक व्याघ्रमारी जो है, जो शेर की नज़र में एक व्याघ्रमारी है, वो उनकी ओर दौड़ती है उनको डराने के लिए, और यह देखकर जो बेचारा बाघ होता है उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो वहाँ से 9-2-11 होने के प्रयास में वहाँ से भागता है और उसके गले में बंधा हुआ श्रृगाल भी घिसटता घिसटता उसके साथ चला जाता है। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्र जात, व्याघ्र से बुद्धिमती बाघ से, भयात पुनरपि, उसके भय से पुनरपि फिर से मुक्ता भवत, मुक्त हो जाती है। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, जिसकी बुद्धि बलवती होती है वह
हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है और हर भय से अपनी रक्षा कर लेता है। इस प्रकार इस पाठ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर संपूर्ण होता है। इस पाठ को हमने पूरा समझ लिया, आइए हम शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ जो कि आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं और उनके अर्थ को जान सकते हैं। हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, तो अभ्यास में आइए हम बोर्ड पर सबसे पहला प्रश्न देखते हैं।